मेरा परिवार, मेरे पिताजी जनसंघ के टाइम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे और उन्होंने बड़े छोटे स्तर से भारतीय जनता पार्टी को जब गुना जिला हुआ करता था खड़ी करने में बड़ी मेहनत की। वो जिलाध्यक्ष भी रहे और संगठन में कई पदों पर रहे और बड़ा संघर्ष करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दोनों जिलों में खड़ा किया और वो 3 बार विधायक भी रहे हमारे परिवार से। मेरी माताजी जिला पंचायत में अध्यक्ष भी रहीं। अभी वर्तमान में मैं मेरी पत्नी और मेरी माँ जिला पंचायत के सदस्य हैं और हमारा जो परिवार रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सेवा की हमारे परिवार ने। परंतु 3 वर्ष लगभग जब से श्री सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए तब से हमारे जो जिला था अशोकनगर उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुंचाया था, कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ उपेक्षा होने लगी, दोयम दर्जे का व्यवहार होने लगा, भेदभाव होने लगा और दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ता गया। स्थिति ये हो गई अशोकनगर में कि 5-5, 6-6 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर शहर से बाहर जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, हरिजन, आदिवासियों एवं अन्य लोगों की जमीनें थी, वो जमीनें नहीं बची, या तो छुड़ा ली गई या किसी ना किसी तरीके से उन पर कब्जे कर लिए गए। बड़ी बड़ी कॉलोनियां हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो काट रहे हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कोई कॉलोनी कटती है तो वो बीघा में होती है या एकड़ में होती है, 2-5 किलोमीटर में। आपने शायद पहली बार सुना होगा अशोकनगर में 1.5-2 किलोमीटर की कॉलोनी माननीयों के द्वारा काटी जा रही है। इतना भ्रष्टाचार, जिनके पास आज से 3-4 साल पहले जो चुनाव हुआ था उस टाइम चुनाव के लिए मतलब स्थिति खराब थी, पैसा नहीं था, आज वो 1-1 हजार 500-500 करोड़ रुपए के मालिक हो, मुर्मे नहीं बच रही, राशन नहीं बच रहा और तमाम प्रकार का जो भ्रष्टाचार है वो लगातार चल रहा है। इस स्थिति से हम व्यथित हो गए बहुत ज्यादा और कहीं ना कहीं हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो हमसे जुड़े हुए लोग थे, उन्हें कहीं ना कहीं केसबाजी में या किसी ना किसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था लगातार। जब मैं बहुत दुखी हुआ, लगातार अंदर से घुट रहा था 3 साल से, जब मैंने क्षेत्र में जनता से बात की, हमारे कार्यकर्ताओं से बात की कि भाई अब क्या करना चाहिए, तो सभी की एक ही आवाज थी कि भैया आप तो एक काम करते हैं, अब सब जब सब लोग मिलकर अपन कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। तब जाकर हमने ये विचार किया कि हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल कांग्रेस की विचारधारा से भी प्रभावित हुए। यह सही है, पहले भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा थी अब वो नहीं बची है, अब तो उसमें अवसरवादी लोग घुस गए हैं और कोई विचारधारा नहीं बची है, सब अपने अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। जो आपके साथ हुआ, आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम शिवराज, मेरे साथ हुआ, मैं लगातार पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था उनसे लगातार बात करता रहता था, अपनी बात को रखता था कि भाई परेशानी ये है, हाँ देखेंगे करते रहे, किसी ने कोई हमारी बात को नहीं सुना, कोई किसी पीड़ा को नहीं सुना। भाई के साथ अजय यादव और माताजी, ये सभी भाजपा कांग्रेस में आएंगे क्या? अजय यादव जी को भी राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। देखिए, मेरे अजय यादव ही नहीं, मेरे 2 लाख भाई हैं, उनमें से 1 लाख बहन है और 1 लाख भाई हैं। पूरी मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के लगभग 1.25 लाख भाई हैं और मेरी बाकी बहन है, 2 लाख ही मेरे परिवार है। सर, आपका परिवार सिंधिया जी के खिलाफ लंबे समय से आपके पिताजी लड़ाई लड़ते रहे, क्या सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे आप? देखिए, मैदान में उतारने के लिए तो पार्टी नेतृत्व का विषय है, कहां से किसको उतारना है ये कोई हमारा निर्णय नहीं है, जो जैसा पार्टी निर्णय करेगी वैसा करेंगे। चलो हो गई बात, चलो बहुत बढ़िया। कसम खाकर कह रहा हूँ, एक भी गाड़ी में मैंने डीजल नहीं डाला और एक भी गाड़ी में हमारे क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता बंधु है सब अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपनी अपनी गाड़ियों से आए हैं और मुझे बार बार फोन आ रहे थे कि भैया हमें ले चलो, बस लगवा दो, ये लगवा दो। माननीय कमलनाथ जी, स्थिति ये थी कि पूरा क्षेत्र आने को बेताब था, परंतु हम इतने साधन की व्यवस्था नहीं थी कि सब लोग वहां बुला सके। मैंने उनको आश्वासन दिया कि हमारा जो नेतृत्व है उनको हम यही बुलाएंगे मंगावली में और एक बड़ा सा कार्यक्रम करेंगे। ये सभी लोग हैं, उनकी सदस्यता करी जाएगी और
बहुत से लोग तो अभी रस्ते में, कई लोग भोपाल भी पहली बार आए हैं और भटक गए हैं, कई सारी लाल बत्तियां बढ़ती है, कुछ करारिया से रास्ता भूल गए, कुछ आगे पीछे हो गए, एक डेढ़ घंटे में अभी और सब लोग यहाँ पहुंचेंगे। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए, मैंने वास्तव में इतनी कल्पना नहीं करी थी, मैं सोच रहा था पता नहीं कितने लोग जाएंगे, आप लोगों के स्नेह और प्यार के लिए मैं वास्तव में आपका आभारी हूँ। भाइयों आप चिंता ना करें, डरे ना कि आप कोई मंत्री है कोई विधायक है सामने होगा, जहां पर अपना पसीना टप उनका पसीना टप के आपका वहां पर मैं खून बहाऊंगा। हमारे जनप्रतिनिधियों ने, भाजपा वालों ने, कहीं से उनको पता चल गया कि कौन कौन लोग जा रहे हैं, धौंस दी, धमकी दी अकेले ने उनको फोन लगा लगा के कि तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। बहुत से लोग भयभीत थे, कई लोगों का मुझे फोन आया कि भाई अब मजबूरी हो गई, माननीय का फोन आया था और मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, भैया आचार संहिता लगने तो फिर देखते हैं उनको ऐसा। और मैं सभी मेरे वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे इतना मान सम्मान एक छोटे से कार्यकर्ता को, माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय अरुण भैया, देववर्धन सिंह जी, गोपाल सिंह चौहान जी, सभी लोगों ने दिया। और मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि जल्द से जल्द हमारा शीर्ष नेतृत्व कोई मुंगावली का कार्यक्रम बनाए और हम मुंगावली चलकर एक बड़ा जो हमारे शेष दिन के मन में रह गई थी, हमारे जो बहुत सारे कार्यकर्ता है जिनके मन में है कि हमें कांग्रेस की सदस्यता लेनी है, तो कोई ऐसा या तो प्रोग्राम बनाए कि हम गांव गांव जाके सदस्यता करें, या आप आ जाते एक साथ कोई बड़ा कार्यक्रम हो, कुछ ऐसा कार्यक्रम हो। मेरी नहीं, मेरी क्षेत्र की जो हमारे मुंगावली विधानसभा क्षेत्र की जनता है उनका ऐसी इच्छा है। और मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप लोगों से पूछ कर बताओ, अपन इनसे कह दें तीन अमूल्य है और माननीय को कहीं जाना भी है, इसलिए मैं ज्यादा विलंब नहीं लूंगा। और पुनः धन्यवाद आप सभी का, भाइयों का और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय जयवर्धन सिंह जी, अरुण भैया, गोपाल सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, दिव्य सिंह जी, पीसी शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद। शर्मा जी, सभी यहाँ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता का हमारे यादव जी, और खास करके जिसका सबसे ज्यादा मैं स्वागत करना चाहता हूँ वो आप सब मेरे सामने बैठे हैं। मैं कुछ देर पहले छिंदवाड़ा में मेरे से एक प्रश्न पूछा गया कि आज का दिन शुभ दिन, नए साल का दिन, नवरात्रि का दिन, आप क्यों छिंदवाड़ा छोड़ के जा रहे हैं? मैंने कहा मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा परिवार आज शामिल हो रहा है, आज ऐसा परिवार शामिल हो रहा है, इस परिवार ने पूरा जीवन राजनीति में केवल नहीं समाज सेवा में लगाया। सिंह जी का स्वागत करता हूं और मैं उनके परिवार, उनके पिताजी देशनाथ जी को भी नमन करता हूं। मैं देशनाथ जी के बारे में सुनता था, मैं अशोकनगर और आसपास के जिले से दूर रहता था, क्यों
दो चार कैसे फोटो फोटो बताओ पर मैं वीडियो अपने देशराज यादव जी के बारे में सुनता था और उन्होंने सही दिशा दी अपने बेटे को, उन्होंने सही दिशा दी। मैं तो इतना ही आपसे कहना चाहता हूं, हमारे भाई बाबू यादवेंद्र सिंह ने आज जो कांग्रेस ज्वाइन करी है, कांग्रेस का साथ केवल नहीं दिया, सबसे बड़ी चीज है उन्होंने सच्चाई का साथ दिया है। और आज हमारे सामने चुनौती है, हमारे सामने चुनौती है कि हम मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित है। हर वर्ग परेशान है, मैं तो जिले जिलों में घूमता हूँ और शिवराज सिंह जी तो बौखलाए हुए हैं, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, उनको तो घोषणा का नशा चढ़ा हुआ है, घोषणा भी है, घोषणा मशीन है, वो तो वहां पुल की घोषणा करते थे ज्यादा दीना हो। तो शिवराज सिंह जी तो आज उस नशे में है, तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह की घोषणाएं, पर मुझे सबसे ज्यादा आप जो मेरे सामने हैं आप परेशान। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, झूठने जिताने वाले इस साइड में नहीं बैठे, झूठने जिताने वाले बैठे ये आपकी शक्ति है, आप बता दें और आपके ऊपर जिम्मेदारी है, केवल अपने क्षेत्र की नहीं, पर ये संदेश मध्य प्रदेश में जिसको आप फोन लगा सकते हैं फोन लगाइएगा, मध्य प्रदेश की तस्वीर उनके सामने रखिए, कहिए कहीं भी रहो सच्चाई का साथ जरूर देना, ये सच्चाई के साथ से ही हमारा मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं राहुल यादवेंद्र सिंह को एक ही बात कहना चाहता हूँ, खास करके आपको कहना चाहता हूँ कि जो सम्मान आपको पहले मिलता था अब उससे ज्यादा सम्मान मिलेगा। अब आपके ऊपर है, मैं राहुल यादवेंद्र सिंह जी को कह रहा था कि अब आपके ऊपर है कि आप मुझे पकड़ लें और इन सब की रक्षा करें जो आज अपने दिल से आए हैं। ये नहीं है कि ये लाए हुए हैं, ये तो अपने मर्जी से आए हैं। तो अंत में आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने कांग्रेस के बारे में नहीं सोचा, आपने मध्य प्रदेश के भविष्य के बारे में सोचा। हर वर्ग परेशान है, मुझे सबसे बड़ी चिंता ये जो नौजवान खड़े हैं उनकी है, सबसे बड़ी चुनौती हमारे मध्य प्रदेश में नौजवानों की है। आज के नौजवान की अपनी सोच है, आज का नौजवान जो एक तरफ है व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में रहा, यही नौजवान यही बच्चे जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, ऐसा मध्य प्रदेश का निर्माण होगा तो इनका भविष्य सुरक्षित रहे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारा कृषि क्षेत्र में मजबूती बनी रहे, हमारी 15 महीने की सरकार थी, 2-2.5 महीने तो गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में, 11.5 महीने में हमने अपनी नियत और नीति का परिचय दिया और अभी 6-7 महीने में कोई शक नहीं है आपकी मदद से, आपके सहयोग से, आपके क्षेत्र से आपका झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। कैमरा नीचे करो आगे वाले।